तो ये वीडियो हो रही है आगे कंटिन्यू और बाकी देखते हैं। और वो लोगों को ओखला का बर्थ सेंचुरी यार नमन भाई कैसे वो देखो वो भाग रहे हैं। अरे मैं वही चीज मैं कह रहा हूँ कि बर्ड सेंचुरी का स्टेशन तो वो द्वारा भाग निकल गए उसका उसको ना वो थोड़ा अलग ही रहे वो मतलब अपने आप ही वो अलग होता रहेगा वो ऐसी है वो थोड़ा बर्ड सेंचुरी तो ये रहा ना हमारा 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 आती आना। अरे मैंने वहीं पे जो मैं तुम्हें इशारा नहीं करता स्लो कर लो वो वहीं से पता नहीं क्या हुआ वो एकदम से वो भागा फिर तुम पोक हो गए तुम भी। नहीं ओखला का मेट्रो स्टेशन ये है यहाँ से इनको पास पड़ता है ना अब ये मुझे फोन कर रहा होगा पक्का ये सीधे उनका ही नंबर है क्या। हाँ हेलो अरे ओखला बस सेंचुरी पे है वो नीरज पता नहीं कहाँ गोल हो गया यार नीरज आया तो साथ में था वो आगे निकल गया वो ओखला उसे पता ही नहीं बर्ड सेंचुरी आशिकों की जगह नहीं पता बताओ यार अब क्या हो गया तुम्हारे साथ। हाँ अरे तुम रुक जाओ तुम्हारी बाइक आज सारे हम बनाएंगे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अच्छा अरे तो बॉल खराब हो गई तुम्हारी बाइक की चलो आगे देखते हैं ठीक है। अरे कील मत निकालो कील निकालोगे तो वो हो जाएगा भी वो ट्यूबलेस वाला है तुम्हारे पास गुड इक्विपमेंट। चलो ठीक है अभी हम आते फिर देखते हैं तुम्हारी बाइक का क्या सीन है ठीक है। अरे ऐसी भर दो हवा उसमें लेकिन भगाना मत आराम से चलाना बन्ना अलग में घुस गया। हाँ तो नहीं दूर जाता बैंड हो जाता ना। चलो एक काम करो हम तुम वही रुको हम आते हैं ठीक है मुश्किल से कितनी देर लगेगी हमें पहुँचने में 10 मिनट में पहुँच रहे हैं ठीक है 15 मिनट में। अरे भाई का फोन ही कहाँ लग रहा है। चलो ठीक है चलो आ रहे हम वही आ रहे ठीक है वही आ रहे रुकियो ठीक है चलो आ रहे। अरे मैंने मैंने पता नमन एकदम गोली की चोट मैंने कहा ये गोल सब लॉग है फिर बाद में ना भाई देखी मैंने कहा भाई नमन और सबसे अरे ये मेरी ये हराम ये जहाँ रख दू भाई ये फिर ये पहचाना की है मैंने कहा नमन ये पकड़ो इसे और अभी भगाना मत थोड़ा आराम से। हाँ 500 किलोमीटर अभी हुए हुए बस। अरे वो पता जल्दबाजी की पुड़िया है वो जल्दी जल्दी करेगा। चलो आ जाओ अब तैयार है अंगल तो यहाँ पे भाई हमारे पांच बार तुम्हारी वीडियो की माधन कर रहा है। अरे तो उठा लो ना उठा लो। तो यहाँ पे भाई साहब तुम लोगों ने बाइक के टॉपिक देख लिया होगी 120 तक टॉप पहुंच गए जो भाई ने बोला था तुम्हारी दूसरी सर्विस के बाद आराम से 130 भी भागेगी है भाई मजा आ जाएगा माँ बहन कर देंगे भाई साहब लेकिन ज्यादा देर तक नहीं लगा सकता इतनी स्पीड पे नॉर्मली मतलब हमारा मेन फोकस ये है कि नॉर्मली हमें करना जैसे ये होता है ना कभी कभी एक दूसरे भगाना तब जरूरत होता है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है। और यहाँ पे भी भाई साहब आज तो मतलब सीन ही अलग हो रहा है किसी की बाइक से आज हमें लग रहा है कि हम दमदमा लेकर पहुँच पाएंगे आज लग रहा है मुझे तो नहीं लग रहा पहुँच पाएंगे भाई। और आज यहाँ पे निकल रहे हैं काफी आराम से निकलना तो जल्दी नहीं है कौन सा मेरे महाराज से कौन से पत्थर तोड़ने आराम से जाएंगे
और कोशिश तो यही है कि ज़्यादा भगाएंगे नहीं, इकोनॉमिक चीज हम ना रखेंगे, और क्योंकि यार तुम लोग को ब्लॉग दिखाना होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नहीं तो हम लोग वैसे तुम लोगों के लिए करना है अपना इन्जॉयमेंट, और मतलब तुम लोगों के लिए भी अपना इन्जॉयमेंट जो यहाँ पे अपने आ गए नमन भाई, और यहाँ पे अपने आ गए आरव भाई, और भाई साहब हम लोग तो फुल मस्ती करते हुए अपना निकल रहे हैं, और बाकी यहाँ पे यार रेड लाइट का दिल्ली में जब से आ गए ना तो रेड लाइट का तो सीन ही बड़ा चेहरा हो चुका है, और ये अब हमें लग रहा है हमें चलो किस्मत अच्छी है जो रुक गई अब यहीं से निकल जाएंगे उनको सीधा, और ये भाई साहब पता नहीं बस उनकी क्यों है यहाँ से ये कहाँ का इंडिकेटर दे, अरे यार कहाँ का इंडिकेटर दे रहा है बबुआ, और तो भाई साहब ये तो भाई साहब एकदम गोली की चोट में निकल रहे हैं, और ऐसे भाई साहब अगर हमने ऐसे बना ली ना कसम से बोल रहा हूँ हमारे ऐसी बन जाने, मैंने हमारे दोस्त के पास है मैंने चलाई थी दो दिन तक, मैंने उसे अपने पास रखी थी, मेरे पेट में जो ऐसा वो हो ना खिंचाव भाई, तो मैं तुमको क्या ही बताऊँ ऐसा खिंचाव हुआ ना बढ़िया वाला के बाद, और यहाँ पे इन सबसे मैंने बोल दिया भाई इस बार हम चलेंगे आराम से क्योंकि ज़्यादा दूर की राइड नहीं है, जितना आराम से जाएंगे उतना सही है, ओ भाई बहुत बढ़िया, और लग रहा है संडे राइड के साथ साथ बाईसाइकिल राइड भी शुरू हो रही है, संडे राइड के साथ बाईसाइकिल राइड भी शुरू हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें इन्हें पोक नहीं करना है कि हम इनसे साइकिल वालों से आगे निकले, ठीक है हमें उन्हें पोक नहीं करना, बिंदास तरीके से चलने दो, और वो मुझे आगे वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो यार यही चीज़ होती है जब बंदा मेहनत कर रहा है तो यार बहुत बढ़िया बात है, बाकी यार सुबह सुबह में जो राइड करने का मजा है ना, चाहे वो साइकिल राइड हो चाहे वो बाइक राइड हो या मोटर ब्लॉग हो या फिर कुछ भी हो, तो ये यहाँ पे काफ़ी बढ़िया कर रहा है, और बाकी तो यार रहता है ये देखो क्या ब्लिंक कर रहे हैं यार, मतलब मुझे लग रहा है हेलमेट भी लाइट लगा रखी है, इस पर भी लाइट लगा रखी है, और साइकिल जो एक्सीडेंट निकल के आ रही है ना बस उसके बाद ही कुछ और, ये मतलब ये है इसे बोलते हैं भाई, और NCC ये शायद कुछ ना कुछ होगा आई थिंक, चलो और यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर यार ये तो सन्नाटा सा रहता है ना खाली खाली, ये मुझे पर्सनली पसंद है, एक्चुअली में क्या है ना थोड़ा ग्लोइंग लीडर होते, वैसे एक यूट्यूबर हैं तो वो काफ़ी बढ़िया मेरे को लगते भी है, बहुत अच्छा वो काम भी करते हैं यार, और एकदम से उठे हैं काफ़ी बढ़िया बात है, और तुम लोग जानते भी हो कि दिल्ली के ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो उनकी एक जान पहचान रहती शॉप जहाँ से वो मतलब एग्जैक्ट वो काम वाम भी करवाते अपना, तो उन्हीं के पास एक दिन मैं जाऊँगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे आरव भाई भी कह रहे थे कि हमें भी थोड़ा सा काम करवाना है अपनी बाइक में, ठीक है भाई अगर काम करवाना है आपको तो आप करवाओ और हम भी करवाएंगे, फिर मैं भी उन्होंने एक मीटर की वीडियो बनाई थी वो काफ़ी मुझे पसंद आई, तो यार वो चीज़ है यार, और भाई साहब यहीं पे आए थे हम कैमरा ले रहे ब्लॉग नहीं बनाता हूँ फिर एक्टिंग में मेरा गेम और गेम और सब चीज़ रहते, तो मेन चीज़ें तो यही रहते यार, और संडे राय का तो वैसे भी हम सारी देर सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे कि जल्दी से राइड आओ, मैं सबसे ज़्यादा मिस करी इस बाइक को भाई साहब, तुझे जितना मिस करते मैं क्या बताऊँ, मेरी जान सबसे ज़्यादा मिस मैंने तुझे किया, और वही है सुबह मैं उठ गया जल्दी अब से मैं भी लेट नहीं यार, लेट नहीं टाइम पे अगर तुम जिंदगी में पक्के हो ना तो तुम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, लाइफ में हमेशा टाइम से पक्के रहो, और बाकी यहाँ से अभी हम बदरपुर बॉर्डर में पहुँच चुके हैं, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, अरे कहाँ पे जा रहे हैं अंदर बाहर, तो
और इन पत्थरों से तो बड़े आराम से भाई साहब, जितने आराम से इन पत्थरों से चलो ना बात, इसलिए टायर की और अपनी दोनों का बोझ बनाते हैं। हाँ अरे मेरा महंगा फोन है, कॉल नहीं जा रही, रोकना है क्या? एक तो आ रहा भाई का इंडिकेटर भी टूट गया। तो बाकी यार अब यहाँ पे हमें मेन जो सीन पेश करना वो करना है अपना उनका नमन भाई का। ओ नमन भाई जा रहा हूँ, मतलब नमन भाई तो मुंह पे रहते हैं, नमन भाई और आरव भाई तो मुंह पे रहते हैं नाम, ये दोनों नाम तो। और बाकी देखते हैं यार अभी क्या क्या सीन होता है देखने के लिए। और मेन तो मेन चीज ये है कि